नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बीजेपी मुगलों को आक्रांता बुलाती है, उन पर सवाल उठाती है, और ऐसे में एक बयान आया है जिससे सियासत तेज हो सकती है, क्योंकि मुगलों को आक्रांता बताने वाली बीजेपी ने खुद प्रधानमंत्री की तुलना अकबर से कर दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगलकालीन शासक अकबर से की है। एमपी के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को अकबर के समान महान बताया है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्रीय नागरिक उद्यानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ हीरा कहा है। बता दें, गुना में बस स्टैंड का उद्घाटन कार्यक्रम था, जहां कार्यक्रम में शिरकत करने केंद्रीय नागरिक उद्यानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे थे। जब कार्यक्रम चल रहा था, तब पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि अकबर के पास हीरे छाटने की क्षमता थी। अकबर इसलिए बड़ा था क्योंकि उसके पास 9 हीरे थे। देश के प्रधानमंत्री ने भी उद्यानन मंत्रालय के लिए मध्य प्रदेश से सर्वश्रेष्ठ हीरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में चुना है। सिसोदिया के इस बयान के बाद से कहा जाने लगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगल शासक अकबर से की है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्यानन मंत्रालय को धरातल से उतार कर आसमान में पहुंचा दिया है। वहीं केंद्रीय उद्यानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस पार्टी में सेवा करने के लिए आए हैं। जब तक सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा जाता, तब तक रुकेंगे नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने जन कल्याण की बजाय खुद के कल्याण पर ध्यान दिया है, उसे बदलने के लिए 25 एमएलए और 6 मंत्रियों ने बलिदान दिया था। वहीं मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के इस बयान के बाद उन्हें जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है, जहां एक यूजर ने लिखा है, मिसाल तो सही दिया करो, अकबर कब से महान हो गया, मिसाल ही देनी थी तो महाराणा प्रताप की देते। दूसरे यूजर ने लिखा है, मतलब बीजेपी वालों ने मान लिया अकबर महान था। एक और यूजर ने लिखा है, अकबर कहां से महान था, जरा इतिहास का पुनरावलोकन कीजिए। वही एक और यूजर ने लिखा है, मतलब मुगल अच्छे थे क्या। तो अब मंत्री जी के इस बयान पर रिएक्शंस तो खूब आ रहे हैं, अब बस इंतजार है कि इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।